वो बीबी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या हुआ चाचा? बहुत सोचा कि ये बात मैं आपसे कहूं या नहीं कहूं, फिर मुझे लगा कि वफादारी का तकाजा यही है कि ये बात मैं आपसे कह दूं। ऐसी क्या बात है चाचा, क्या हुआ? मैडम सायका और उनकी बेटी साशा से तो आप वाकिफ होंगी, अपनी नूरीन बेटी की शादी पे भी आ गई थी। जी मैं जानती हूँ। आप साहब को उनसे बचा लें। चाचा क्या हुआ है? वो साहब को लूट रही हैं। ये देखे, आज भी 2 लाख रुपए मंगवाए हैं और गाड़ी भेजने को कहा है। आप साहब को समझाएं, वो अच्छी औरतें नहीं हैं। जो कुछ मेरी तजर्बाकार आंखें देख सकती हैं, वो नहीं देख सकते। उन्हें समझाएं, जाल में मत फंसें, दूर रहें इन औरतों से। मुझे जरा चेक दें, आप फिक्र ना करें, मैं हारून साहब से बात करूंगी। बीबी वो गुस्से होंगे कि मैंने ये बात आपको बता दी है। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, घबराएं मत, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। आप जाकर सायका मैडम को ये चेक दे दें। मुझे बहुत खुशी होती है कि हारून साहब के पास ऐसे वफादार लोग हैं। इस घर का नमक खाया है मैंने, साहब की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, और उस फैमिली की बड़ी कदर है मेरे दिल में। नहीं चाहता कि साहब किसी परेशानी में फंसे। उन औरतों के लक्षण ठीक नहीं हैं। मैं जानती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं हारून साहब से जरूर बात करूंगी। बहुत शुक्रिया। ओ हाँ, मैडम सायका को ये जरूर कहिएगा कि चेक और गाड़ी निमरा बीबी ने भेजी है। जी बेहतर। ठीक है ठीक है मैडम। मुझे लगता है हारून इसी औरत की वजह से परेशान है, लेकिन वो इसके हर हुक्म की तामील के लिए इतना मजबूर क्यों है? हारून आपको मुझे बताना ही होगा।